हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी एक अपडेट आया है तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर को लेकर। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, तो उसी के बारे में एक न्यू अपडेट आया है। तो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बारे में वो ज़्यादा ही तैयार है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम जानते हैं सेकंड ईयर सभी स्टूडेंट को पास कर दिया गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मार्क्स किस तरह देना है ये कन्फ्यूजन हो रहा था। इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसकी वजह से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स किसी तरह भी कंडक्ट करना कहकर गवर्नमेंट सोच रही है। और एग्ज़ाम्स का जो टाइम टेबल होता है उसको भी सिर्फ डेढ़ घंटा वन एंड हाफ आवर रखकर और क्वेश्चन पेपर्स भी आसान बनाकर किसी तरह एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना बोलकर सोच रही है। तो इसकी क्लैरिटी दो या तीन दिन के अंदर आने वाली है, तो जैसे ही मैं क्लैरिटी आएगा आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स किसी तरह भी कंडक्ट होंगे, इसलिए मेरा फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी स्टूडेंट्स तैयार रहिए और जितना भी आप पढ़े हैं उसके अंदर से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ डेढ़ घंटे का है और पेपर भी बहुत आसान दिया जा रहा है। तो ये एक अपडेट था आप लोगों को बतलाना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।